हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती शाक्यवार आप सबका स्वागत करती हूँ द इनसाइड हाउस पर। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की खस्ता कचौड़ी, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बहुत ही क्रिस्पी होती है। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं मूंग की दाल की कचौड़ी। ये मैंने एक परात ले लिया। अब इसमें मैदा ले लेंगे। ये मैंने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग लिया है, आप अपने परिवार के अकॉर्डिंग लीजिएगा। ये मैंने 700 ग्राम मैदा लिया है। अब इसमें हम ऑयल डाल देंगे एक कटोरी। अब इसके अंदर हम एक चम्मच नमक डाल देंगे और आधा चम्मच अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन को हथेली पे लेंगे और इसको क्रश करते हुए डालेंगे अजवाइन को, इस तरीके से आप देख रहे होंगे। अब इन सभी सामग्री को हम मिला लेंगे। ऑयल और मैदे को अच्छे से मिलाएंगे और ये एकदम से दानेदार हो जाना चाहिए हमारा मैदा। इसे हम हाथों से रफ करते हुए अच्छे से मिलाएंगे ऑयल को। आप ऑयल की जगह घी या रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप उसे खाना पसंद करते हैं तो। देखिए इस तरीके से करना है। यह हमारा मैदा भी रेडी हो गया है इतना। अब हम इसका डो लगाएंगे। अब धीरे धीरे पानी डालते हुए हम मैदे को गूंद लेंगे। इसका हमें ज़्यादा टाइट डो नहीं बनाना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है, नॉर्मल रखना है। ध्यान रखिएगा कि पानी धीरे धीरे ही डालें। ये हमारा मैदा गूंद गया है अब, और इसे हम करीब करीब 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। इसको सेट होने के लिए रखना है हमें मैदे को, ताकि मैदा हमारा थोड़ा सा फूल जाए। इसे हम ढककर रख देते हैं जब तक इसकी फिलिंग रेडी करते हैं हम। कचौड़ी की फिलिंग के लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ। इसके लिए मैंने ये सौंफ और धनिया लिया है, इसको मैंने हल्का सा भून लिया था और दरदरा सा इसको कूट लिया है मैंने। और 2 चम्मच मैंने ये बेसन लिया है, 100 ग्राम मूंग की दाल ली है, 3 चम्मच ऑयल लिया है, 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच काला नमक और 1 चम्मच ये मैंने कसूरी मेथी ली है, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, हल्दी, हींग, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और जीरा लिया है। इन सभी सामग्री की हमें ज़रूरत है। और ये मूंग की दाल को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और इसका पानी मैंने सारा सुखा लिया है। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए मूंग की दाल में, इससे कचौड़ी हमारी ख़राब हो जाएंगी अगर मूंग की दाल में पानी होगा तो। और इसको हम दरा दरा सा पीस लेंगे, हमें बारीक नहीं पीसना है मूंग की दाल को, दरदरा ही हमें मूंग की दाल को पीसना है। हमने मूंग की दाल को दरदरा सा पीस लिया है, ये देखिए। सिर्फ 30 सेकंड के लिए हमें मिक्सी को चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो जब बारीक हो जाएगी तो हमारी किसी यूज़ की नहीं रहेगी। बस इस तरीके से हमें इसका पेस्ट बनाना है दरदरा। गैस पर मैंने एक फ़ैन रख दिया है और इसमें अब मैंने ये ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम जीरा डाल देंगे, हींग डालेंगे चुटकी भर। अब इसमें हम ये धनिया और सौंफ का पाउडर डाल दिया है, इसे हमने दरदरा कूट के रखा हुआ था, इसे भूनना है और अच्छे से मिलाना है। अब इसमें हम बेसन डाल देंगे और बेसन को हमें कम से कम 2 से 3 मिनट भूनना है। बेसन को भूनना ज़रूरी होता है, ये काफ़ी हैवी होता है इसलिए। इसमें हम आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, गरम मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे और धनिया पाउडर डालेंगे और इन्हें मिलाएंगे। और अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, काला नमक और चीनी डाल देंगे। अब इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिलाएंगे और भूनेंगे। अब इसके अंदर हम जो हमने मूंग की दाल को दरदरा पीस के रखा हुआ है उसे डाल देंगे। अब हम सारी दाल एक साथ डालनी है हमें और इसे भी हम अच्छे से मिलाएंगे और भूनेंगे दाल को।
इसे हमें इस तरीके से भूनना और चलाना है कि हमारा दाना दाना अलग हो जाएगा एकदम से, और ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी हमारी मूंग की दाल। अब इसमें मैं कसूरी मेथी डाल दूंगी क्रश करके, और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे हम इस अपने मसाले में। ये देखिए हमारा मसाला दाल हमारी ये सब कुछ भून गया है और एकदम सूखा सूखा लग रहा है। इस तरीके की हमें फीलिंग रेडी करनी थी। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल सूख गया है हमारा ये मसाला। अब इसे हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे अपने मसाले को। इधर हम अपने आटे को देख लेते हैं ये सेट हुआ है या नहीं, और थोड़ा सा मसल भी लेंगे हम इसे। ये हमारा आटा लग गया है ठीक से, सेट हो चुका है, फूल भी गया हमारा मैदा। अब इसकी बड़ी सी गोली तोड़ेंगे हम और उसको लंबी शेप दे देंगे, और इसके अलावा हम छोटी छोटी सी गोलियाँ तोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरीके से छोटी छोटी सी गोलियाँ तोड़नी है हमें, ज़्यादा मोटी कचौड़ी नहीं बनानी है हमें। और जो हमारा मैदा है उसको ढक देंगे हम, और इन गोलियों को प्रेस करते हुए लोइयाँ बना लेंगे हम। अब चकले पे लोई को रख लेंगे, काफ़ी लोग इसे पेड़ा भी बोलते हैं, काफ़ी लोग इसे लोई कहते हैं। अब इसे बेलन से हम बेल लेंगे, पूरी की शेप देंगे हम अपने इस पेड़े को। बस इतना ही लंबा करना है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम इसे। हमने मसाला रेडी करके रखा है, इसके लिए फीलिंग रेडी करके रखी है, उसमें से एक चम्मच हम इसके अंदर रखेंगे पूरी के ऊपर, और इसको चारों तरफ से कवर कर देंगे इस तरीके से, देखिए जैसे कि मैं कर रही हूँ। और जो एक्स्ट्रा आटा होगा मैदा होगा उसे हम निकाल देंगे और हाथों से प्रेस करते हुए दबा देंगे, और इसको हम बेलन से बेल देंगे। आप चाहें तो इसको हाथों से भी आगे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा ही बढ़ाना है हमें, इसे बड़ा करना है, बस दो तीन बेलन ही हम चलाएंगे। ये रेडी हो जाएगी हमारी कचौड़ी, ये देखिए अब ये रेडी है हमारी कचौड़ी। ये सारी कचौड़ियाँ रेडी हो गई हैं हमारी। अब मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है गरम करने के लिए। ये ऑयल भी हमारा गरम हो गया है। अब हमें धीमी गैस रखनी है, और धीमी गैस पर ही हम कचौड़ियों को तलेंगे। इससे क्या होता है कि धीमी गैस पर कचौड़ियाँ तलने से करारी और क्रिस्पी कचौड़ियाँ बनती हैं, और बहुत ही अच्छा रंग आता है कचौड़ियाँ का। ऑयल को पहले से ही गर्म कर लेना चाहिए और धीरे धीमी गैस पर इनको तलना चाहिए कचौड़ियों को, और बेलते वक्त भी कचौड़ियों को धीरे हाथ से ही बेलना चाहिए। इससे हमारी सारी कचौड़ियाँ फूलती हैं ढीले हाथ से कचौड़ियों को बेलने पर। ये देखिए हमारी कचौड़ियाँ कैसे फूल गई हैं, चारों के चारों कचौड़ियाँ फूली हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारी कचौड़ियों का, देखने में ये क्रिस्पी और कंची लग रही हैं कचौड़ियाँ। अब हम इन्हें निकाल लेंगे, तल गई हैं हमारी कचौड़ियाँ, कलर भी आ गया इनका। मूंग की दाल की कचौड़ियाँ रेडी हो गई हैं, इन्हें हम एक हफ्ते तक रख सकते हैं एयर टाइट डिब्बे में, और इनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।